दोस्तों कुछ दिन पहले ना YouTube के कमेंट बॉक्स में एक भाई ने ना मुझसे एक सवाल पूछा। वो भाई मुझे ऐसा बोल रहा था कि भाई मैं ना बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ। तो मैं उसको ऐसा बोला कि भाई क्या हुआ। तो वो भाई मुझे बोला कि यार भाई मैं तुझे क्या बताऊँ, अभी मेरी जो एज है ना, मतलब अभी जो मेरी उम्र है ना वो 26 साल है, पर अभी तक ना मुझसे कोई भी औरत या फिर मुझसे कोई भी लड़की अभी तक बिल्कुल भी नहीं पटी। मतलब मैं ना एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी औरत हो, मतलब काली गोरी मोटी पतली, मतलब किसी भी तरह की औरत हो, मुझे कैसे भी करके मेरी जिंदगी में ना कोई औरत या फिर कोई ना कोई लड़की मेरी जिंदगी में मुझे चाहिए। तो तू ना मुझे कुछ ऐसे तरीके बता कि जो करने के बाद ना कोई भी औरत मुझसे पटे। तो दोस्तों मैंने ऐसा सोचा कि भाई बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, तो मैंने दोस्तों बहुत ज़्यादा रिसर्च करी। और रिसर्च करने के बाद ना दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको और उस भाई को ऐसे दोस्तों 3 प्रकार के काम बताने वाला हूँ जो दोस्तों अगर आप करते हो ना तो कोई भी औरत खुद दोस्तों आपको पटाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा पर यह 3 काम करने के बाद ना दोस्तों जो औरत आपको पसंद है ना वो औरत खुद आपको पटाएगी। इतनी दोस्तों गारंटी मैं अभी यहाँ पर आपको दे सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में जानना है ना तो आज का वीडियो दोस्तों आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों देखो, आपको अगर ऐसा सच में लगता है ना, मतलब आपको अगर ऐसा सच में अपने दिल से लगता है कि आपको जो औरत पसंद है या फिर आपको जो लड़की पसंद है तो वह औरत या फिर वह लड़की खुद आपको पटाए, तो दोस्तों आपको ना यह 3 काम दोस्तों करने पड़ेंगे। तो उन 3 कामों में ना जो सबसे पहला काम है वो दोस्तों कौन सा है कि आप ना दोस्तों उस औरत के लिए या फिर उस लड़की के लिए कोई ना कोई एक ऐसा काम करो जो उस औरत के लिए किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया था या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। क्या बोला मैंने? आई रिपीट दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनो कि आपको अगर ऐसा लगता है ना कि वह औरत आपको खुद पटाए तो उस औरत के लिए ना कोई ऐसा एक काम करो जो उस औरत के लिए किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया था या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। अभी दोस्तों वह काम कौन सा है? तो वह काम दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों हर एक औरत की सिचुएशन और हर एक औरत की कंडीशन अलग अलग होती है। आपको मतलब जब आप उस औरत के साथ दोस्ती करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। पर इतनी बात दोस्तों ध्यान में रखो कि ऐसा कोई ना कोई काम करो जो उस औरत के लिए किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया था या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो ऐसा अगर दोस्तों आप कोई भी काम करोगे ना तो वह औरत दोस्तों खुद आपको पटाएगी। इतनी दोस्तों गारंटी मैं अभी यहां पर आपको दे सकता हूं, क्योंकि दोस्तों यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने भी ऐसा किया था। और यह करने के बाद ना दोस्तों वह औरत, मतलब जिसको मैं पटाना चाहता था, वह औरत दोस्तों खुद मेरे पीछे पड़ गई। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये सबसे पहला काम है। और उसके बाद दोस्तों जो दूसरा काम है वो दोस्तों कौन सा है कि उस औरत की ना भर भर के तारीफ करो और उसकी बाजू लेकर बोलो। क्या बोला मैंने? उस औरत की ना भर भर के तारीफ करो और उसकी बाजू लेकर बोलो। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर आप हमेशा उस औरत की तारीफ करोगे ना कि आप ऐसी हो, आप वैसी हो, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस औरत को ना दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद ना दोस्तों आप उसकी बाजू लेकर बोलो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वो औरत ना आपको कोई ना कोई बात बता रही है कि हमारे फैमिली में ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा किया वैसा किया, और भले वो औरत गलत भी है तब भी दोस्तों आप उसकी बाजू लेकर बोलो कि हाँ हाँ आपने जो किया ना वो एकदम बराबर था, आप अपनी जगह पर ना एकदम सही हो, मतलब आपकी जगह कोई भी होता ना तो वो भी ऐसा ही करता, मतलब आप ना एकदम बराबर हो। तो जब आप उसकी हमेशा ऐसा बाजू लेकर बोलोगे ना तो वो औरत दोस्तों आपके ऊपर ऑटोमेटिकली मतलब इम्प्रेस
होना स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तों ये दूसरा काम है। और उसके बाद दोस्तों जो तीसरा काम है वो दोस्तों कौन सा है कि आपको अगर ऐसा सच में लगता है ना कि वो औरत आपको खुद पटाए तो हमेशा ना दोस्तों उसकी मतलब इच्छाएं और उसकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करो। क्या बोला मैंने? उसकी इच्छाएं और उसकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करो। मतलब दोस्तों इच्छाएं क्या होती है कि फॉर एग्जांपल उसको ऐसा लगता होगा कि मुझे ना उस दुकान से मतलब ऐसा ऐसा नेकलेस खरीद करना है, मुझे ना इस जगह पर घूमने के लिए जाना है। और ज़रूरत दोस्तों क्या होती है कि उसको जो ज़रूरत है पर उसको वह चीज़ नहीं मिल रही है तो वह उसकी ज़रूरत हुई। तो उसकी इच्छाएँ और उसकी ज़रूरतें आप दोस्तों पूरी करने की कोशिश करो। और अगर आप दोस्तों उसकी इच्छाएं और उसकी ज़रूरतें अगर दोस्तों आप पूरी करोगे ना तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देकर बोल सकता हूँ कि वह औरत ना दोस्तों खुद दोस्तों आपको पटाएगी। इतनी दोस्तों बात दोस्तों मैं आपको अभी यहाँ पर आपको बता सकता हूँ क्योंकि दोस्तों यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी ऐसा किया था और दोस्तों वह औरत ना मेरे पीछे पड़ गई थी। इसके लिए दोस्तों इतने कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों बता रहा हूँ। बाकी लोगों के जैसा मतलब आपको पागल बनाना मुझे नहीं आता। मैं जो बताता हूँ ना वो एकदम दोस्तों रियलिटी के ऊपर बेस होता है। मतलब जो मैंने किया है और जो करने के बाद मुझे फ़ायदा हुआ है वही बातें दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहो और हैप्पी रहो। लव यू सो मच ऑल ऑफ यू।